हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीपीएससीएल ऑफिस असिस्टेंट का जो पेपर है उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसी बारे में हम बात करेंगे कि क्योंकि सब कुछ इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे आपको, एक मिनट मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, ठीक है। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट पढ़ाएंगे हम आपको। स्प्रेडशीट के बारे में पूरी जानकारी देंगे हम आपको, WWW एंड वेब ब्राउजर के बारे में, क्योंकि इस बार जब हमने ARO का पेपर दिया था उसमें देखा हमने कि बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकल के आए थे, ठीक है। शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये लेबल जो है CCC का है तो कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। एब्रीविएशन की बात यानी कि हम करें जिसको कहते हैं फुल फॉर्म, तो यहाँ पर भी निकल के आते हैं करीब 2 से 3 क्वेश्चन जो ARO में भी पूछे गए थे। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑफिस असिस्टेंट का पेपर है उसमें भी पूछा जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं आगे GS के बारे में। GS में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले हम आपको देंगे करंट अफेयर, ठीक है, पर डे का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देंगे, ठीक है, जो अभी तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के। बुक से देंगे दोस्तों क्योंकि, और नेट से खोज के देंगे ताकि हो सकता है कुछ ना कुछ फ़ायदा करें। सॉल्व पेपर्स के क्वेश्चंस देंगे यानी कि जो प्रैक्टिस बुक्स मार्केट में आए हैं उनसे क्वेश्चंस निकाल के हम आपको देंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि हमने 2 सेट आपको GS के दिए थे, ये सारे इंपॉर्टेंट थे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे रीजनिंग की। रीजनिंग में हम डेली 1 टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड 10 क्वेश्चंस उस टॉपिक पे करेंगे, ठीक है, रिलेटेड दैट चैप्टर। यानी कि जो भी हम चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने आपको पढ़ाया अल्फ़ाबेट सीरीज़, तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ पे 10 क्वेश्चंस आपको हम देंगे, वो आपको करना होगा घर पे, ठीक है, अपने से करके। अगले दिन हम उसका आंसर प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी आप हमें क्वेश्चंस वहाँ पे कर दीजिए, सर 5th नंबर बता दीजिए, 6th नंबर बता दीजिए, हम वो अगले दिन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों हिंदी की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये हमारा, क्योंकि यहाँ से हम सब ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। 55 मार्क्स का है तो अप्रॉक्सीमेटली 50 के आसपास हम कर सकते हैं यहाँ से। तो लूसेंट की हम एक बुक है वो पूरा कवर करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हो और लूसेंट हिंदी पढ़ ली तो आप कोई भी एग्ज़ाम यहाँ से हिंदी का क्लियर कर सकते हैं फुल ऑफ फुल का, ठीक है। तो लूसेंट का हम रोज़ एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और उस पर आधारित कम से कम 10 प्रश्न, जैसे हमने आपको पढ़ाया कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द, तो उसमें कम से कम 20-25 क्वेश्चनों की बात करेंगे। पर्यायवाची हो गया और विलोम हो गया, इन सब चीज़ों पर तो बात होती ही रहेगी। चलिए इंग्लिश की बात कर लेते हैं दोस्तों। इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यूपी के हैं तो थोड़ा सा हमारा इंग्लिश ऐसा लगता है कि वीक है, या फिर वो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहता जो और सब्जेक्ट्स पे रहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉयस पे, फिर नरेशन पे, फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, कुछ स्पेलिंग या मीनिंग को भी बात करेंगे यहाँ पे, सेंटेंस या सेंटेंस करेक्शन की बात करेंगे हम, रीडिंग कम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे और सिंटैक्स पढ़ेंगे। तो ये हमारा पूरा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगर होप नहीं हो पाया, आई होप आपका पेपर मान लीजिए 22 तारीख को है तब तक नहीं हो पाया ये चीज़ें, तो आप ये चीज़ें अभी अभी से कवर करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप वहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं कि सर हमें कुछ चीज़ें ये बता दीजिए। मैं अपना नंबर फिर से दे रहा हूँ, 9598920076। और एक बात हम आपको बता दें कि देखिए, मतलब व्हाट्सएप ही करिएगा या फिर कॉल बहुत इंपॉर्टेंट हो तब करिएगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।